जय भीम दोस्तों, मैं ब्रजमोहन, आप देख रहे हैं जनता आवाज। इस वक्त हूं मैं मंडावली दिल्ली में। यहां पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती 131वीं जयंती बहुत ही भव्य तरीके से मनाई जा रही है। यहां पर एक खास बात ये है कि यहां पर महिलाएं बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में भाग ले रही हैं, जो कि एक बहुजन समाज के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। और कोई भी सामाजिक आयोजन हो या राजनीतिक आयोजन हो, जब तक बहुजन समाज की महिलाएँ आगे नहीं आएंगी तब तक कोई भी प्रोग्राम करना उसके मायने अपन कह सकते हैं कि मतलब सक्षम नहीं है किसी प्रोग्राम में। तो हमारे साथ कुछ कुछ लोग उपस्थित हैं, उनसे बात करेंगे कैसी क्या तैयारी चल रही है। सर क्या नाम है आपका? विनोद कुमार जी। विनोद कुमार जी, सर कैसा क्या माल कैसा लग रहा है आपको जयंती मना रहे हैं? हम तो हर साल मनाते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, और हर साल हमारा ऐसा ही मनता रहे इसके लिए हम बाबा साहब का आभार प्रकट करते हैं। तो कितने दिनों से यहाँ पे तैयारी करनी पड़ती है या ये कहेगा आपकी कोई टीम है? हमें 15-20 दिन लग जाते हैं सर तैयारी करने के अंदर। थैंक यू। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एडवोकेट घनश्याम नागर। घनश्याम नागर जी, तो सर क्या लग रहा है आपको ये बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, क्या विचार आपको मतलब जहन में आए जो जिन पर जीवन में डालने का संकल्प लिया हो? देखिए, एक ऐसा महामानव जिनने सदा मानवतावादी और सम्मानवादी बात की, कि जिसमें उन्होंने बोला कि सब देश में सभी लोगों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए, बराबर अधिकार मिलना चाहिए, जबकि एक यहाँ व्यवस्था हजारों वर्षों से चली आ रही थी मनुवादी व्यवस्था। उस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ एक व्यक्ति ने आवाज़ उठाई और देश विदेश में आज उसकी प्रतिमाएँ बनी हुई हैं। तो ऐसा क्या कारण रहे कि बाबा साहब को मानने वाले, आज आपने देखा होगा पक्ष तो पक्ष विपक्ष भी बाबा साहब का नाम ले रहा है। परंतु मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यह समय ऐसे दोगले लोगों का नहीं, जो बाबा साहब को सच्चे मन से मानता है और असल में मानता है उन सब लोगों को बाबा साहब के जो नीतियाँ थी उन पर काम करना चाहिए। मतलब बाबा साहब के विचारों पर चलने की ज़रूरत है समाज को। जी धन्यवाद आपका। और भी लोग हैं, दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम टाट। बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहोगे हम जैसी युवा पीढ़ी के लिए? भाई बात दरअसल ऐसी है, मेरे पर बोलना नहीं जा रहा, तकलीफ में। अच्छा चलो कोई नहीं, और किसी से बात करते हैं, तकलीफ है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम किशोर है। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। अच्छा, तो बाबा साहब की ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें जीवन में डालना चाहिए? कोई बाबा साहब तो हमारे भगवान हैं, जो उन्होंने शिक्षा दी है हम वही जीवन में डाल रहे हैं। नहीं सर, भगवान मानने से ही तो यही तो नुकसान है, भगवान समझ के तो उद्धार नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर भगवान ही मानना है तो 33 करोड़ देवी देवता थे। 33 करोड़ देवता नहीं, इन्होंने तो हमें जीना सिखाया, हमें जीने का मकसद सिखाया, जो हम इनकी बदौलत हैं, इनकी कुर्बानी के बदौलत हैं, जो इनकी कुर्बानी है तो आज हम कुर्सी पे बैठे हैं। लेकिन फिर भी लोग काम मानते हैं, कोई बिजनेस में सफलता पाता है, कोई नौकरी पाता है तो धन्यवाद देने मंदिरों में जाते हैं, और कोई रिजर्वेशन वगैरह नौकरी वगैरह जब मांगते हैं तो ये हमारे DNA में, दिमाग में ये धारणाएँ बिठा दी गई हैं। वो हल्के हल्के पढ़े लिखे जो बच्चे हो रहे हैं वो समझ रहे हैं इन बातों को, बाकी ये तो चीज़ें बिठा दी, अब वो हल्के हल्के निकलेंगी, धीरे धीरे निकले। चलो धन्यवाद। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? अमरपाल जी। अमरपाल जी, तो क्या लगता है बाबा साहब को आजकल मतलब लगभग क्या विपक्ष क्या पक्ष, चाहे अब केजरीवाल जी को ही देख लीजिए तो वो तो बोल रहे हैं कि जय भीम की तस्वीर हर ऑफिस में लगेगी, तो क्या है ये, क्या एजेंडा है? ये एजेंडा हमारे यूथ को लेकर के है। मैं इतना कहना चाहूँगा, जैसे हमारे बाबा साहब ने एक संघर्ष और शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहने का एक जो नारा दिया था, हमें आज उस मुकाम को हासिल करना चाहिए और हमें यूथ को आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। और बाकी है राजनीति से मैं दूर हूँ, और राजनीति तो जैसे केजरीवाल जी कह रहे हैं ठीक है, हर ऑफिस में केजरीवाल की जी जो कह रहे हैं भीम की बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए, अच्छी बात है, वो उसके आगे पहल अच्छी है। लेकिन कैसे मतलब परिवर्तन आएगा? बाबा साहब को तो मानते सभी हैं, सभी जयकारा लगाते हैं, सभी जय भीम बोलते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी, पहली प्रतिज्ञा को भी पूरी तरीके से कोई मानने के लिए तैयार नहीं है।
यह कि उन्होंने पहली प्रतिज्ञा थी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी भी ईश्वर नहीं मानूंगा। यहाँ पर बैठे हुए इतने कितने लोग होंगे जो इस बात का पालन करते होंगे? सर आप जाना सर, मैं पालन तो करता हूँ ना, मैं किसी भगवान को नहीं मिथ्याता, समझे नहीं, वो अपनी जगह है, कोई मानता है तो उस धर्म में हमारे को कुछ नहीं लेना, हमें तो अपने बाबा साहब से लेना है, ठीक है ना। और मैं उसके आगे नहीं, नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। देखो, हर किसी समुदाय को अपने अपने धर्म को मानने के पूरा मतलब आज़ादी है, लेकिन बात यह है कि हजारों साल से शोषित वंचितों के साथ भेदभाव होता हुआ है। सवाल इसलिए उठता है कि जब 5000 सालों से जो एक विशेष वर्ग को गुलामी की तरह से रखा गया, गुलाम बनाकर रखा गया, तो तब ये देवता और भगवान क्यों नहीं आए? ठीक है, तो जो महापुरुष हैं, जो बाबा साहब हैं, तो उन्होंने कुछ तो सोच समझ कर कहा होगा, हम उनसे बड़े तो नहीं हो सकते, बात ये थी। नहीं, बाबा साहब ने तो जो कहा है आदर्श के हिसाब से ही कहा है। और देखिए, ये कहते हैं कि 84,000 करोड़ देवता, इतनी तो हमारी पब्लिक भी नहीं थी जब, ये देवता कहाँ से आ गए? ये अपने आप ही मंथन कर रहे थे क्या देवता लोग? मैं किसी देवता को वो नहीं कर रहा, देवता होता है वो जो देने देता है, जैसे हमारे अम्बेडकर साहब जो देने में सक्षम रहे, देश को दिया, असली राष्ट्रीय भक्त तो वही हैं। तो साथियों, ये था दिल्ली का मंडावली क्षेत्र, जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बहुत ही भव्य तरीके से जयंती मनाई जा रही थी। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे और मैंने आपसे उनको रूबरू भी कराया, लेकिन अभी मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है, बूंदाबांदी सी हो रही है, शायद लग रहा है कि बरसात भी हो सकती है, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जनता आवाज़, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, जय भीम।